हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर शमीर खान आपके लिए हैं बहुत ही बेहतरीन और सबसे सरल और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लैब्राडोर में एंटी एलर्जी, जो जिसे हिंदी में चपटे भी बोलते हैं, एक केस लेकर आया हूं। और ये केस आपके लिए ही एक बेहतरीन साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इसे देखेंगे और इससे कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हमने उस डॉग को सही तरीके से बंधवाया है और हमने इंजेक्शन के तौर पे लिया है डेक्सामेथासोन। ये 5 ml की वाइल आती है, इसमें हम 1.5 ml यूज़ करेंगे डेक्सामेथासोन को। जो डेक्सोना है उसको 1.5 ml लेंगे। हमने पहले उसको बंधवा लिया क्योंकि बांधना ज़रूरी। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हम पे भी हमला कर देता है, मालिक पे भी हमला कर देता है, तो इसलिए बांधना ज़रूरी है। अच्छी तरीके से मुंह बंधवा लिया है, मुंह बंधवा लिया और गले में अंदर से खिड़की की तरफ से ले लिया हो, आपको दिख रहा होगा। दूसरा इंजेक्शन हमने लिया है सेफ्ट्रेक्जोन सेल्वेक्टम, जिसमें सेल्वेक्टम है, एंटीबायोटिक है सेल्वेक्टम के साल का। इसको हम डिस्टिल वाटर में लेके इसको सिर्फ 4 ml डिस्टिल वाटर में हम लेंगे और इसको बढ़िया तरीके से हिला लेंगे। हिलाने के बाद हम इसको, ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस दोनों रूट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटर मास में लगेगा, डीप मास में लगा सकते हैं या इंट्राविनस नस में धीरे धीरे लगा सकते हैं। अभी हमने इसको बढ़िया तरीके से हिलाया, हिलाने के बाद उधर रेडी भी कर लिया है, डॉग को रेडी कर लिया। एक वो सामने भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने पकड़ रखा है डॉग, उनके पिताजी हैं, इन्होंने पकड़ रखा। ये ज़्यादा परेशान हो गए थे इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले कि हमारे डॉग को एंटी एलर्जी है। तो उसके लिए हमने डिस्टिल वाटर जो यूज़ किया था और उसको बढ़िया तरीके से इंजेक्शन को हमने हिला के उसको भर दिया है। सारे इंजेक्शन हम एक ही साथ इकट्ठा करके रखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉग हमला कर देता, बार बार भरेंगे निकालेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरा इंजेक्शन लिया हमने फ्लुक्सिमेग्लोडायमिन। ये फ्लुक्सिमेग्लोडायमिन ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों में काम करता है। जो अंदरूनी बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होता है हमें नहीं मिलता, तो ये तब काम करता है, ये उसको ढूंढेगा और किल करेगा। ये इंजेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण डॉग, बफेलो, काऊ, बकरी और तोते, घोड़ा सब में बढ़िया काम करता। दूसरा इंजेक्शन हमने लिया है CPM, क्लेरोफेरामाइन मिलेट। ये इंजेक्शन हमने लिया है 3 ml। इस बॉडी पर बॉडी वेट के हिसाब से हमने इंजेक्शन लिए हैं और ये इंजेक्शन हम इंट्रा मस्कुलर ही लगाएंगे सारे इंजेक्शन। जो इसमें ख़ास करके ध्यान रखना कि अगर इसका मुंह खुला तो देखो चोट लग सकती, काट सकता, हमला कर सकता है। डायरेक्ट हमला करता है गर्दन पर, तो इंजेक्शन लगाते हुए मुझे भी डर लग रहा था और जो लगवा रहे थे उन्हें भी डर लग रहा था। इसके अंदर ज़्यादा ताकत है, जवान है, इस टाइम फुल जवानी में है। अभी इसका पेशाब भी निकल गया, यूरिन है वो भी बाहर आ गया। तो हमने पीछे पुट्ठे पर लगाया इंजेक्शन, दो इंजेक्शन हमने लगाए। तीसरा इंजेक्शन जो लगाया इसमें हमला भी किया था, बस वो खुदा का शुक्र हुआ कि मैं बच गया। अब मैं दूसरी साइड से जाके इंजेक्शन लगा रहा हूँ। अब तेरी तो ये, अरे यार ये तो निकल गया भाई।